नमस्कार, देख रहे हैं आप पल पल टॉप 10 मेरे यानी प्रखर के साथ में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शॉर्ट सर्किट ने ली एक परिवार के 3 सदस्यों की जान, 7 वर्षीय मासूम सहित 2 महिलाओं की हुई मौत। चयनित ओबीसी शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, शिक्षक पद की भर्ती के आरक्षण को लेकर दिया ज्ञापन। वेल्डिंग की आड़ में हो रही थी केरोसिन की कालाबाजारी, एसडीएम की टीम ने जबलपुर रायपुर हाईवे पर तबिश देते हुए 10,500 लीटर केरोसिन का किया जब्त। रिठाई इंडस्ट्रियल एरिया के लघु उद्योग सदस्यों ने उद्योग मंत्री को दिया ज्ञापन, सदस्यों ने क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हुआ प्राण घातक हमला, पुराने विवाद को लेकर 15 साल पहले युवक में हुआ था समझौता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अल्प प्रवास पर पहुंचे जबलपुर, कार्यकर्ताओं के साथ कई विषयों पर की चर्चा। शहर की मशहूर सामाजिक संस्था दीवा क्लब दौरा किया गया, विशेष कार्यक्रम का आयोजन, कोरोना महामारी और पर्यावरण को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक। जबलपुर पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त। संजीवनी नगर गुजराती कॉलोनी गंगानगर में हुई चोरी, सूने मकान का ताला तोड़ लाखों रुपए के जेवर ले गए चोर। जबलपुर में जारी है रिमझिम बारिश का दौर, बारिश का औसत कोटा पूरा करने से 35 इंच दूर है शहर। फिलहाल पल पल टॉप 10 में इतनी खबरें, बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज के साथ।